रमारानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खड़ाली में 7 दिवसीय डे नाइट बजरंग बली क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह शनिवार रात को आयोजित हुआ। खड़ाली नाड़ी ग्राउंड में आयोजित हो रही 7 दिवसीय डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह में भाजपा प्रदेश मंत्री के विश्नोई, राणा कुलदीप सिंह सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। समारोह में विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 41,000 रुपए व उप विजेता टीम को 21,000 रुपए नकद राशि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुड़ामालानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ामालानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खड़ाली में 7 दिवसीय डे नाइट बजरंग बली क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह शनिवार रात को आयोजित हुआ। खड़ाली नाड़ी ग्राउंड में आयोजित हो रही 7 दिवसीय डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह में भाजपा प्रदेश मंत्री के विश्नोई, राणा कुलदीप सिंह, खड़ाली सरपंच प्रतिनिधि वीरमा राम, भाजपा युवा नेता अशोक गोदारा सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए के विश्नोई व राणा कुलदीप सिंह ने कहा कि खेल खेल की भावना से खेलें। इस तरह के खेल रेतीले धुरों में होते रहने चाहिए। डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता जैसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं में निखार आएगा। ग्रामीण इलाकों में इस तरह के बड़े आयोजन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। टूर्नामेंट में आसपास की 40 टीमों ने भाग लिया। वहीं 7 दिनों तक चले घमासान के बाद फाइनल मैच MMC क्रिकेट क्लब गुड़ामालानी व गिला ब्रदर्स बांड टीम के बीच खेला गया। रोमांचक फाइनल मैच में MNC क्रिकेट क्लब गुड़ामालानी टीम विजेता रही। अतिथियों ने विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 41,000 रुपए व उपविजेता टीम को 21,000 नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी। कार्यक्रम में सुखराम विश्नोई, नगराम बेनीवाल, खीम सिंह नगर, देवाराम चौधरी, बाबूलाल मांझू, श्रीराम मांझू, विश्नोई टाइगर्स फोर्स के अध्यक्ष श्रवण कुमार गोदारा, जोगेंद्र गिरी महाराज, टीकाराम पटेल, नेमी चंद पवार, मूलाराम ढाका, गुलाणी बलवंत गोदारा के साथ आयोजन कमेटी के सदस्य भीकाराम खिलेरी, हनुमान गोदारा, कमलेश चाणी, लादूराम पवार, भजन खिलेरी सहित कई ग्रामीण व खिलाड़ी मौजूद रहे। सुरेश बांगुड़ो वहीं वीर भगत सिंह CPL सीजन 2 के लोहारवा का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में जाखण एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रेमाराम भादू, निदेशक श्री किसान केसरी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बाड़मेर में रहे। भादू ने उपविजेता टीम को अपनी ओर से 11,000 रुपए नकद पुरस्कार प्रदान किए। सप्ताह भर चली क्रिकेट प्रतियोगिता में 35 टीमों ने भाग लिया। खेल खेल में हेल्थ प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा गया। खासकर लोहारवा के युवाओं ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया है। इसमें दानदाताओं का सफल आयोजन में विशेष योगदान रहा था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खेल प्रेमियों भामाशाहों का आयोजन समिति की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान 21,000 रुपये नकद पुरस्कार स्थानीय सरपंच अशोक डांगरा की तरफ से, दूसरा नकद पुरस्कार 11,000 रुपये प्रेमाराम भादू की ओर से तथा तीसरा नकद पुरस्कार 5,100 रुपये जुंजेश वांबू की ओर से दिया गया।